आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के निजी सेवा संघ ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए रानी तालाब निवासी स्वर्गीय रामेश शुक्ला के बेटी के विवाह में हर संभव सहयोग किया। जितना बोले सर उतना किए, जरूरत से ज्यादा किया, जितना बोला सर ने उससे ज्यादा ही किया। आप दीदी इतना नहीं लग रहा था कि किसी कोई करीब ऐसे कुछ भी नहीं था ना, और घर में सभी परेशान थे, घर वाले इतनी मदद नहीं की, इतना सर ने कर दिया। 19 जनवरी यानी आज संपन्न होने वाले विवाह में निजी सेवा संघ की ओर से सहयोग के तौर पर 21,000 रुपए नगद व जरूरी सामान जैसे सोने चांदी की ज्वेलरी, सोफा, डबल बेड, अलमारी, टीवी, ड्रेसिंग, श्रृंगार का सामान, बर्तन व अन्य आवश्यक सामग्री का सहयोग किया गया है। निजी सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन राजीव शुक्ला के निजी निवास पर पहुंचकर मां ने अपनी समस्या से अवगत कराया था और बताया था कि पति की मृत्यु 2016 में हो चुकी है, 2 बेटी और 1 बेटा है। बड़ी बेटी का विवाह 19 जनवरी को है, बेटा चाय बेचता था, वो भी दुर्घटना में घायल है, कमाई का जरिया कुछ नहीं है, स्थिति दयनीय है, रिश्तेदार और सगे संबंधी मदद नहीं कर रहे हैं, केवल आश्वासन दे रहे हैं। विवाह नजदीक है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करिए। समस्या सुनकर राजीव शुक्ला ने विवाह दिनांक को अप्रैल में करने को कहा, क्योंकि विवाह में ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है और मेरी स्थिति नहीं है कि मैं सम्मानजनक सहयोग कर सकूं। इतने कम समय में सहयोग करना संभव नहीं है, क्योंकि सामाजिक सरोकार के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और इस समय 3 महत्वपूर्ण कार्य चल रहे हैं, इसलिए संभव नहीं है कि आर्थिक मदद कर सकूं। लेकिन माँ के बार बार अनुरोध पर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और कहा, आप तैयारी करो, पैसे के अभाव में कन्या का विवाह नहीं रुकेगा, कन्या का विवाह अच्छे से संपन्न हो सके इसके लिए घर पहुंचकर पदाधिकारियों ने कन्या को आशीर्वाद दिया और हर संभव सहयोग किया। जिस दिन मैं गई थी उसके बाद से आके मैं फ्री हूँ, मम्मी को भी पता है कि मैं पहले कैसा सोचती रहती थी, बैठी रहती थी, और कल से भैया मेरे बहुत परेशान है, सोच रहे, पहले मैं जगती रहती थी रात को, अब आराम से सो रही हूँ, बस काम करने के बाद सो रही हूँ।